हमारे देश ने दूसरे देश से आए हुए शरणार्थी के आंसू पहुंचकर उन्हें देश में रहने की नागरिकता दी। यूपी के रामपुर में आज रामपुर जिला सहकारी बैंक के 31वें वार्षिक उत्सव में पहुंचे जिला सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा पहुंचे, जिन्हें भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं सहकारिता मंत्री मुकुट वर्मा ने बताया कि जिला सहकारी बैंक के इतिहास में नेट बैंकिंग में ना मेंट करने वाले खाते भी काम कर रहे हैं। किसानों को हर सुविधा दी जा रही है, जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूं, जिसमें वार्षिक बैठक भी ली गई। किसानों को सरकार की योजनाओं के आधार पर किसानों को ऋण भी दिया जा रहा है, साथ ही ई नेट बैंकिंग भी की जा रही है, जिसमें किसानों को कैंप लगाकर जागरूक भी किया जाता है। क्या 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 योजना है, क्या क्या किसके प्रोग्राम का सरकार के मतलब कि पीछे हो जाए थोड़ा सा जी। भाई आप चुप जाओ जी। पंत जी, आज दो विषय ऊपर है। एक तो हमारी एजीएम थी, इक्कीसवीं सामान्य वार्षिक बैठक होती है, रामपुर कोऑपरेटिव बैंक की भी सामान्य वार्षिक बैठक थी। आय व्यय का लेखा जोखा, अपनी प्रगति, आगे क्या करेगी उसकी योजना, इन पर चर्चा हुई है और काफ़ी अच्छा है। हम मानते हैं कि बैंकिंग के इतिहास में जहां NPA शून्य हो, ना पेमेंट करने वाले खाते ऐसे जिसके पास ना हो, उसका अर्थ होता है कि सारे खाते पेमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वह बैंक सबसे अच्छा होता है। लाभ में हानि में रहना ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि हमारे प्रत्येक खाते देनदारी का काम कर रहे हैं, न देहंदा हमारे पास कोई नहीं है। ये यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। दूसरा आज एक विषय है जिसमें से चर्चा करने आए हैं, विशेष रूप से ये प्रेस वार्ता कह जाते हैं। ये जो संविधान में एक नागरिकता संशोधन एक्ट अधिनियम, इसको लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चा है। हम सब लोगों का सोच है कि वो आपके माध्यम से समाज के बीच में जाना चाहिए कि वास्तव में नागरिकता संशोधन विधेयक है क्या। हम लोग जानते हैं कि नागरिकता एक्ट बहुत पहले से बना हुआ है, उस नागरिकता एक्ट में विविध कई कई बार संशोधन हुए हैं, जब आवश्यकता हुई है तब संशोधन हुआ है। इस बार जो संशोधन हुआ है वह भी आवश्यकता को देखकर, केवल इतना है उस एक्ट के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा भारत के किसी नागरिक पर कोई भी प्रभाव कुप्रभाव नहीं पड़ने वाला है या उनसे संबंधित उन पर प्रभाव डालने वाला नहीं है, और इसलिए भारत के किसी नागरिक को, 130 करोड़ नागरिक को इस संशोधन से लेकर हमारे पर क्या होगा ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह संशोधन निश्चित रूप से उन बंधुओं के लिए है जिनके घर लूट लिए गए, जिनकी बेटियों का अपहरण हुआ है, जिनके साथ जो ऐसे स्थिति में है कि वहाँ रह नहीं सकते। ऐसे तीन देश, विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ से जो भागे हुए लोग दो प्रकार के, एक शरणार्थी, जो शरणार्थी आए हैं उन सब के लिए हम इस नागरिकता संशोधन अधिनियम में छूट दे रहे हैं। उनको 11 साल नहीं, अब 5 साल में ही नागरिकता मिल जाएगी, उनको विभिन्न प्रकार के पेपर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसकी लिमिट भी तय कर दिया। जो बहुत बार लोग कहते हैं कि पता नहीं कितना बोझ पड़ जाएगा, वो बोझ तो दो, क्योंकि ये 2014 और उसके पूर्व में आए हुए लोगों पर है, तो बोझ तो 5 साल से वो हाई है, जो भी है उसको तो हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं। इसलिए मानकर नहीं चलना चाहिए कि किसी भी प्रकार का बोझ पड़ेगा। ये नागरिकता संशोधन विधेयक केवल उन लोगों को सुविधा देना है, उनके आंसू पोंछना है जो लगातार हमारे देश में रह रहे हैं, निरीह अवस्था में हैं, उनको नागरिकता नहीं मिली इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको ये सुविधा प्रदान करने का है। हमारा देश इस स्वभाव का है कि जो भी हमारे यहाँ आया है उसको हमने शरण दिया है। हमारा देश हमेशा हमेशा, यहाँ तो कहा गया है कि उसी नर अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, उसी नर क्षितिश ने दिया
मतलब एक सवाल सवाल लिमिट कितनी है अभी आपने बताया लिमिट है आखिर हिंसा के बाद ही आखिर हिंसा के बाद ही क्यों सफाई देनी पड़ रही बीजेपी को पहले ही क्यों सफाई नहीं दी गई और राष्ट्रीय स्तर पे इसका विरोध हो रहा है ऐसा है देखिए सफाई पहले और बाद का सवाल नहीं है हम तो ये मान कर चलते हैं कि जो एक्ट बना है वह समाज के लोगों को जानकारी देकर बना है क्योंकि एक्ट छपता है लिखा जाता है बिल बनता है चर्चा होती है हमसे ज़्यादा अखबार उसकी चर्चा करते हैं मीडिया उसकी चर्चा करता है लोगों को जानकारी हो जाती है लेकिन कभी कभी लोग आधार बना लेते हैं कुछ लोगों ने आधार बना लिया कि बहुत दिन हो गया है कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं मिला है तो उन्होंने शुरू किया तो इसलिए ये लगा कि इसको सफाई देनी चाहिए इसको साफ बताना चाहिए ये सफाई देना नहीं है जानकारी देना है हम चाहते हैं समाज में पूरी जानकारी फैलाएं।